आप टेडर क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों आप अपने आप को कमजोर समझते हैं? एक बार दो बार टेड केस में आपका लॉस हो गया तो आप समझते हो कि मैं टेडर नहीं बन पाऊंगा, मतलब अपने आप को आप कमजोर समझते हैं। और जो आप पहले आप ठान लें कि मैं टेडर नहीं बन पाऊंगा, तो आपके पास कैपेसिटी है बनने का, टेडर बनने का। ऐसा नहीं कि आप टेडर नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आप टेडर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि आप पहले अपने मन में ठान लिए कि मैं नहीं बन पाऊंगा, हार गया, मेरे बस की बात नहीं है। देखो लाइफ में आप किसी भी फील्ड में अगर आप ठान लिए, अंदर से ठान लिए कि मैं नहीं बन पाऊंगा, तो आपको कोई मास्टर या कोई भी ज्ञानी आके आपको समझाए तू अच्छा इंसान बन सकता, तू टेरर बन सकता, तो नहीं बन पाओगे। लेकिन आपको अंदर से फील है कि मैं टेरर बन सकता हूँ, अभी फिलहाल मेरे साथ बुरा वक्त चल रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं अभी सही से सीखा नहीं हूँ, इसलिए जब सीख जाऊँगा तो मुझे आने वाले समय में मैं एक अच्छे टेरर बन सकता हूँ, हर वो सपना मैं पूरा कर सकता हूँ ट्रेडिंग से। लेकिन आपको बिलीव ही नहीं है कि मैं एक सही टेरर बन भी सकता हूँ, क्योंकि आप चाहते हो आते, आप चाहते हो आते मुझे पैसा आना चाहिए। हमको लॉस नहीं होना चाहिए कभी भी, हमको आते पैसा चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं सीखेंगे चलेगा, लेकिन हमको पैसा चाहिए। मेरे भाई कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में आसानी से पैसा नहीं मिल सकता, आसानी से आप सक्सेस नहीं बन पाओगे किसी भी फील्ड में, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब लास्ट में आप सफल होंगे। कब सफल होंगे? जब आपको लगता है कि मैं आप सफल नहीं बन पाऊँगा ऐसा फील होगा, उसी टाइम आप सफल हो जाओगे। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप ठान लियो, पहले ठान लो कि मुझे ट्रेडर ही बनना है। पहले आप सोचो कि आप पहले एक चीज़ ये आपको याद रखना है कि मैं चाह क्या रहा हूँ, क्या मैं सच में ट्रेडर बन सकता हूँ, क्या मुझे सच में ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। हाँ, तो उसके बारे में पहले रिसर्च करो, पहले दिन रात बराबर कर दो रिसर्च के बारे में, उसके बाद उसके नॉलेज गेन करो अच्छे से। आप चाहते हो कि मैं लाखों रुपया कमाऊँ लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हो, तो मेरे भाई कभी भी सफल नहीं बनोगे। पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 6 महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इस फील्ड के बारे में हर चीज़ जान चुके हैं, इसलिए आपका लॉस होंगे लेकिन कम होगा। लेकिन इस मार्केट में आप जब कूदोगे निकलोगे ना, तो बहुत ही जल्दी एक रफ्तार की तरफ आगे बढ़ जाओगे। इसलिए पहले नॉलेज गेन करो, अपने आप पर बिलीव रखो, विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। अगर इंसान चाह लिया तो कुछ भी हासिल कर सकता है। मार्केट को भगवान नहीं बनाया है, ये भी इंसान ही बनाया है। जब वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता मेरे भाई? इसलिए अगर वो कर सकता है, वो मार्केट को बना सकता है, तो क्या आप मार्केट में आप ट्रेड भी नहीं कर सकते? उतना भी आपको भगवान नॉलेज नहीं दिया है? सभी को भगवान किसी न किसी कारण से मकसद से बनाया हुआ है। अब उसका रीजन, उसको भगवान ने बोला कि तू खुद अपना रीजन फाइंड आउट कर और अपना लाइफ में आगे बढ़। इसलिए किसी भी फील्ड में आपको लग रहा है कि ट्रेडिंग में मैं सफल नहीं बन पाऊँगा, तो अपने आप को गलत सोच दो। हाँ, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग में, लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब सच में सफल नहीं बनोगे। लेकिन आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, अभी आपका साथ बुरा वक्त चल रहा है, आपका लॉस हो रहा है बार बार, लेकिन इंटरेस्ट है, फिर भी आप लगे हो, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, कम अमाउंट से मार्केट में आए हो सीखने के लिए, 10,000-20,000 से ट्रेड करो, तो एक न एक दिन आप जरूर सफल बनोगे। ये हमेशा याद रखना, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि इंसान जो अपने आप पर विश्वास रखता है तो कुछ भी हासिल कर सकता है, मतलब कुछ भी, हर वो चीज़ हासिल कर सकता है अगर अपने आप पर आपको विश्वास है। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आपको कोई भी भगवान भी आके बोल दे तो एक अच्छे ट्रेडर बन सकता है, तो आप अपने आप फिर भी आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से अपने आप पर बिलीव ही नहीं है। इसलिए बिलीव रखो, आप मेहनत करो, आज नहीं बनेगा कल नहीं बनेगा, मेहनत करोगे, किसी एक चीज़ पर फोकस करो और उसमें मास्टर बन जाओ। आज नहीं बनोगे लेकिन एक दिन ज़रूर बन जाओगे, और उसी दिन आप पूरा 2-3 साल का जो मेहनत है ना, 6 महीना में आपका सब मेहनत रंग लाएगा, हर वो सपना आप पालोगे। बस विश्वास रखो और मेहनत करो।